हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज कर दिया है। स्विम स्नैप्स स्टूडियो से मैंने अपने चैनल का नेम एडिक्टर केपी रखा है। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3D रोड फोटो एडिटिंग, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको भी इस टाइप का फोटो एडिट करना है तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो के अंदर जो भी PNG और बैकग्राउंड यूज किए जाएंगे वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि अगर मैं आपके लिए इस टाइप की अमेजिंग वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की ओर चलते हैं। सिंपली हम अपने मोबाइल के अंदर पिक्सार्ट ऐप को ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए एक वॉलपेपर सेलेक्ट करेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद अब हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पर और फोर्थ नंबर के ब्लर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड नंबर के ब्लर को चॉइस करके राइट कर देंगे। अब हम राइट में स्क्रॉल डाउन करेंगे और ड्रॉ टूल के अंदर चलेंगे। अब हम यहाँ पर इनपुट लेयर के अंदर मोबाइल के PNG को ऐड करेंगे, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम इस वाले PNG को हल्का सा बड़ा करेंगे और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट होने के बाद अब हम यहाँ पर एक और इनपुट लेयर्स बनाएंगे। अब हम वापस ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर मोबाइल के लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको क्रॉप करेंगे अब हम अपने मोबाइल के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद लेयर पर क्लिक करेंगे और ऊपर वाले लेयर को मोबाइल के लेयर के नीचे लाना है, ताकि आपका मोबाइल वाला बैकग्राउंड पीछे चले जाए। अब हम यहाँ पर एक और इनपुट लेयर सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर अब हम यहाँ पर रोड के PNG को ऐड करेंगे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम यहाँ पर अपने फोटो के यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट होने के बाद अब हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और रोड को कुछ इस तरह से जूम करेंगे और यहाँ पर इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वापस क्लिक करके साइज को 40 के आसपास रखने के बाद जहाँ से इरेज करेंगे, ताकि ऐसा लगना चाहिए जैसे कि रोड पीछे जा रहा है बिल्डिंग के। अब हम यहाँ पर एक और इम्पीड लेयर बनाएंगे। इम्पीड लेयर बनाने के बाद अब हम वापस एड फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रॉन्ग वे के बोर्ड के PNG को ऐड करेंगे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस वाले को PNG को हम छोटा करेंगे और अपने फ़ोटो को जूम कर कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और जूम कर लेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर रोड के बिल्कुल बीच सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। ऊपर वाले लेयर को रोड के लेयर के ऊपर मर्ज कर देंगे हम। मर्ज करने के बाद अब हम यहाँ पर एक और इम्पीड लेयर सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर अपन
अपना खुद का फोटो ऐड करेंगे जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो मैंने पहले ही अपने बैकग्राउंड को इरेज कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक वीडियो मिलेगी, उससे आप बैकग्राउंड इरेज करना सीख सकते हो। अब आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड के ऊपर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अब हम वापस लेयर के ऑप्शन पर जाएंगे और इस वाले लेयर को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद ऊपर वाले लेयर को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब आपको लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और उसको कुछ इस तरह से अपने फ़ोटो को नीचे की साइड में एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर डन करने के बाद ऊपर वाले लेयर की ओपेसिटी को कम करेंगे, तो ओपेसिटी को आपको 20 के आसपास रख देना है। यहाँ पर एक और इम्पी लेयर बनाएंगे, उसके अंदर अब हम यहाँ पर एक लेंस के पीएनजी को ऐड करेंगे जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम इस लेंस वाले पीएनजी को पेड़ के यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब हम इसको वापस लेयर पर जाने के बाद इसकी चमक को कम करेंगे तो स्किन कर देंगे, और स्किन करने के बाद इस वाले लेयर को नीचे वाले लेयर के सेकंड लास्ट पर रख देना है। आपको इस वाले लेयर के ऊपर रखना है। ऊपर करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे, 50 के आसपास रख देना है आपको इसकी ओपेसिटी को। अब हम अपने फ़ोटो को और बैकग्राउंड को मैच करने के लिए इस वाले फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करेंगे, तो उससे पहले थ्री डॉट पर जाने के बाद इसको सेव इमेज कर लेंगे। तो क्या सेव इमेज करने के बाद अपना फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। गैलरी में आने के बाद अब हम इस वाले फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद अब हम यहाँ पर एक और प्रीसेट को शेयर करेंगे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और उसके ऊपर मैंने रिसेंटली अभी वीडियो बनाया था, अगर आपको यूज करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको एक वीडियो मिलेगी, उससे आप यूज करना सीख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले प्रीसेट को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद अब हम लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऑल फोटोज़ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जिस प्रीसेट को अपन ने डाउनलोड किया उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है जो राइट में दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कॉपी सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद राइट कर देंगे। राइट करने के बाद अब हम अपने फ़ोटो के ऊपर चलेंगे। फ़ोटो पर जाने के बाद वापस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग कर देंगे। पेस्ट सेटिंग करते ही हमारा फ़ोटो हो जाएगा कम्प्लीट, मतलब कि पूरा एडिट हो चुका है। तो अब हम इसको कर देंगे अपनी गैलरी में सेव। तो थ्री डॉट के पास में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव टू डिवाइस के अंदर सेव कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।